में भाजपा में शामिल हुए सिवनी के निर्दलीय विधायक दिनेश राय मुनमुन पार्टी में आने के बाद चर्चा में बने हैं। उन्होंने एक बार फिर भाजपा नेताओं पर तंज कसा। विधायक दिनेश राय ने सिवनी के ग्राम बखारी में आयोजित विकास यात्रा कार्यक्रम के दौरान सिवनी के भाजपा नेताओं की तुलना पुराने नोटों से करते हुए अब उनके नहीं चलने की बात कह डाली। मुनमुन राय तो अपने विवादित बयानों के लिए हमेशा ही सुर्खियों में रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने उनको पार्टी में जबरदस्ती शामिल तो कर लिया, लेकिन उनका तो अब यही कहना है, मेरे को मैं तो अपने आप को 3 महीने के लिए गिरवी रखा हुआ हूँ। यदि मेरे जो वादे मैंने जनता से किए हुए हैं, यदि उनको पूरा करने में स्वराज सरकार सहायता नहीं करती है, तो मैं फिर से बगावत पर उतरूंगा। और उनका कहना है कि अब पुराने भाजपाइयों और दलाल नुमा के नेताओं की नहीं चलेगी, अब यहाँ पे केवल मनमोहन राय की ही भाजपा चलेगी। सिवनी जिला में अब भाजपा होगी तो वो मनमोहन राय की होगी। यदि भाजपा के विधायक ने जो नोट को लेके कार्यकर्ताओं की जो बयानबाजी की है, ये लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। अभी लोग इतने तरह से किसान परेशान है, डीजल महंगा है, राजगढ़ जिले में नरसिंहगढ़ नगर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में मेडिकल BOMO गौरव त्रिपाठी द्वारा दस्तक अभियान के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी गई। यह अभियान 1.5 महीने चलेगा और इसमें घर घर जाकर कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जानकारी ली जाएगी।